hospital, there is now a functioning new water cooler which is going to serve them for some time. The Life TV, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। जिस तरह से गुजरात में मोरबी का पुल गिरा, उसी तरह से बीजेपी के जो सपने थे चुनाव जीतने के, उन पर भी पानी फिर गया। पूरे देश के अंदर गुजरात मॉडल बेनकाब हो गया कि कैसे वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है या कैसे वहाँ पे सरकार की नाकामी सामने आ रही है कि जिसकी वजह से 150 से अधिक लोगों की जान चले गई। और उसके बाद बीजेपी की सरकार ने जितने तमाशे किए इस पूरे मामले को छिपाने के, इस पूरे लीपापोती करने के और सरकार की छवि को बचाने के, वो भी एक एक करके हर पल हर लम्हा बेनकाब होते गए। चाहे वो मोरबी के पुल के ऊपर अपनी जवाबदेही से भागने का हो या फिर रातों रात मोरबी के सिविल अस्पताल को चमकाने का हो और उसके पूरे ऐब छुपाने का हो, वो भी बेनकाब हो गए पूरी तरह से, क्योंकि वीडियो उसी वक्त सामने आ गए कि आधी रात को कैसे काम किया जा रहा है अपनी नाकामी छुपाने का। लेकिन मीडिया के एक वर्ग के ऊपर ये बहुत भारी पड़ गया, उनको सच दिखाना इतना भारी पड़ेगा उन्होंने शायद सोचा नहीं था। वहां पर मीडिया की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और एनडीटीवी के एक पत्रकार जो निरंतर वहां की पोल खोल रहे थे और बेनकाब कर रहे थे, वहां आपके जो लीपापोती चल रही थी, उनको पुलिस खींच कर वहां से बाहर ले आई। आप खुद वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या हाल हो रहा है और ये क्या है। क्या इसी को कहते हैं घोषित आपातकाल, जो लोग कह रहे हैं। श्रीनिवास बीवी है कांग्रेस के नेता, उन्होंने डाला है अंततः गुजरात पुलिस ने किया अस्पताल से मीडिया को वनक्कम। देखिए इस वीडियो को कि कैसे वो वाटर कूलर जिसकी पोल खोल दी थी एक एनडीटीवी के पत्रकार ने कि इसके अंदर तो पानी ही नहीं, के सिस्टम चालू ही नहीं किया गया है, सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया है, उनको पुलिस वहां से खींच के बाहर ले आई। जरा इस वीडियो को देखिए और खुद समझिए। देयर इज नाउ अ फंक्शनिंग न्यू वाटर कूलर व्हिच इज गोइंग टू सर्व देम फॉर सम टाइम। तो आपने देखा किस तरह से मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया। असल में मामला यह था कि अस्पताल के अंदर इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज थी कि जिसकी पोल हर पल खुल रही थी और पूरी तरह से बीजेपी के गुजरात मॉडल को बेनकाब किया जा रहा था और जनता वोट नहीं देगी इसकी सबसे बड़ी चिंता भी बीजेपी को होगी, जाहिर सी बात है वहां की सरकार को होगी। तो जो पत्रकार ने वाटर कूलर का बेनकाब किया कि कैसे ये वाटर कूलर सिर्फ दिखावे के लिए रख दिया गया है, इसमें कोई पानी का सिस्टम चालू ही नहीं है, तो पुलिस आ गई और पुलिस वहां से उसको ले गई, उसका कैमरा बंद करवा दिया। अब जब वो बाहर निकल गया तो कैमरा जब उसने खोला तो पुलिस पर आगे आगे भागती हुई दिखी। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पर पुलिस बात भी नहीं कर रही है, उसको बस बाहर लाके छोड़ दिया है। मतलब उसने कहा पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, पत्रकार का दावा है, एनडीटीवी के पत्रकारों का दावा है कि मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है, अंदर का कोई सच बाहर नहीं चला जाए, इसलिए ही किया गया होगा। लेकिन ये हिस्सा और देख लीजिए जो बाहर का है, जब पुलिस आगे आगे जा रही है और ये पत्रकार सवाल पूछ रहा है कि मुझे क्यों वहां से बाहर लाया गया है। देखिए इस वीडियो वाले यहाँ पर आए और हमको यहाँ पर नीचे उतार कर ले आए। मैंने बोला उनको कि हम कैमरा ऑन कर देते हैं, अब उसमें भी हमें जैसे आप लेके जा रहे थे वैसे आप लेके नीचे आइए, लेकिन शायद कैमरा ऑन होते ही थोड़ा सा ये परेशानी ज़रूर हुई। अब मैं कैमरा लेके उनके पीछे पीछे और वो मेरे आगे आगे हैं, सब ये जानकारी जानने के लिए कि ऐसा क्या हो गया था कि हमने इतनी सारी पुलिस बल के साथ नीचे लाए। असल में ये पूरा मामला ये था कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले रातों रात अस्पताल की पुताई की गई थी, बेडशीट्स नई लाके रखी गई थी और बहुत सारे फर्जी वाड़े हो रहे थे, जिसको कुछ सम्मानित पत्रकारों ने गोदी मीडिया के पूरे मंसूबों पे, प्लानिंग पर पानी फेर दिया था रात में और सब कुछ दिखा दिया था जनता को। और वो पत्रकार है अंकित त्यागी जब पहुंचे तो अंकित त्यागी ने वहां के वाटर कूलर की पोल खोल दी और वाटर कूलर के बारे में क्या बताया जरा आप खुद देखिए। अंकित त्यागी लिखते हैं, पीएम के दौरे से पहले जल्दबाजी का आलम कुछ ऐसा था कि मोरबी सिविल अस्पताल में कल रात लाए वाटर कूलर और मरीज दोनों पानी के इंतजार में हैं। गुजरात सरकार पीएम की असलियत शायद छुपाना चाहती थी। आप खुद देखिए, और ये छुपाने की फितरत कितनी है ये तो आप जानते ही हैं। ट्रंप आए तो गरीबी छुपाने के लिए दीवार खड़ी कर दी गुजरात के अंदर, ये मोदी जी का गृह राज्य का हाल है। ऐसे ही अभी मोरबी में भी किस तरह से टेंट लगा दिया गया, लोगों का दावा है ताकि कुछ दिखे नहीं वहां पर मीडिया को। खैर अंकित जो खबर कर चुके थे जिसकी वजह से उनको मुसीबत का सामना उठाना पड़ा, वो ये है कि उन्होंने वाटर कूलर की पोल खोल दी थी जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए। तो देखिए इस वीडियो। तो अगर आप कोशिश करेंगे ठंडा पानी मोरबी के अस्पताल में फर्स्ट फ्लोर पर जो है यहाँ पर पीने की, आपको नसीब नहीं होगा क्योंकि इस वाटर कूलर में
पानी ही नहीं है, इसे कल रखा गया है, इस दबाते रहिए, इंतजार करते रहिए, एक बूंद पानी यहाँ पर नहीं गिरेगा। और उसका कारण यह है कि इस वाटर कूलर को एक शोपीस की तरह बस यहाँ पे प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हुआ क्यों है। ये वायर है, इसका पाइप है, इसके अंदर ये नल में लगता है, नल से पानी इसके अंदर जाता है, ठंडा होता है और लोग वहाँ से उस पानी का इस्तेमाल कर पाते हैं। इतनी जल्दबाजी थी इन शोपीस को यहाँ पर रखने की प्रधानमंत्री के आने से पहले। तो ये हाल है कि बीजेपी की सरकार अभी भी यहाँ के अपनी जिम्मेदारी ले, अपनी जवाबदेही के ऊपर जवाब दे, सारे काम ऐसे करे, उसका सबसे बड़ी प्राथमिकता दिख रही है कि चुनाव के अंदर कोई नुकसान नहीं हो तो कैसे लीपापोती की जाए। लेकिन चुनाव से पहले भी लीपापोती की गई है, दिखाऊंगा आगे। पर रमनदीप सिंह मान ने लिखा है, प्रधान सेवक मोरबी में पुल दुर्घटना का शोक प्रकट करने जा रहे हैं और उनके आगमन से पहले सफेद चादरों से मोरबी को ही छुपा दिया गया। जब ट्रंप आया तो अहमदाबाद को का गंज भी ऐसे ही छुपाया था। वो तो चलो आदमी समझ भी ले, लेकिन जमीन के नेता को जमीनी सच्चाई देखने से इतनी दिक्कत ये समझ नहीं आया। बताता हूँ आपको मन साहब, असल में मीडिया साथ में चलेगी तो मोदी जी को तो मालूम होगा कि वहां कितनी खराबी है, लेकिन मीडिया के कैमरा में कैद होगी तो पूरे देश के अंदर गुजरात मॉडल की पोल खुल जाएगी। सर ये वीडियो डाला है रमनदीप जी ने, देख लीजिए कैसे प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ये दावा किया गया है कि उसको सफेद चादर से छुपा दिया गया है। बहुत सी चीजों को देखिए, यहाँ तक कि सिर्फ यही नहीं बल्कि जो कंपनी ओरेवा घड़ी कमाने वाली कंपनी जिसके पास पूरा ठेका था उस पुल का, उसके नाम को भी छिपा दिया था कि उसका नाम भी बदनाम ना हो या क्या वजह थी, क्योंकि उसके जहां तक पता जानकारी है उनके अधिकारियों को तो कंपनी के जो कर्मचारी हैं जो हेड है उनको तो पकड़ा नहीं गया है, ना सुना FIR में भी सही से नाम नहीं है। निगार परवीन पत्रकार है, वो लिखती है PM मोदी मोरबी पहुंचे हैं, आपको पता है जो कंपनी 150 ज्यादा मौतों की जिम्मेदार है उसके बोर्ड को कपड़े से छुपा दिया गया है, उस कंपनी के मालिकों के नाम FIR से गायब है, खाना पूर्ति के नाम पर क्लर्क चौकीदार पकड़कर जेल में डाल दिए गए हैं, देखते देखते सबको बचा लिया जाएगा। तो ये ओरेवा का तस्वीरें तो लगाई है उन्होंने, आप देख सकते हैं एक तरफ ओरेवा का बोर्ड दिख रहा है और दूसरी तरफ उसके बोर्ड को ढाक दिया गया है कि मीडिया जाएगी कवर करेगी नुकसान होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, इस अभी आज मोरबी को छिपाया जा रहा है और जो दिखा रहे हैं उनको अस्पताल से बाहर निकाला जा रहा है, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं जो शायद लोकतंत्र में अच्छे नहीं है। द प्रिंट ने लिखा था जब ट्रंप आए थे कि ट्रंप की यात्रा से पहले अहमदाबाद में खड़ी की गई दीवार मोदी के गुजरात मॉडल की पोल खोलती है। उन्होंने किस तरह से दीवार खड़ी कर दी थी एक बहुत लंबी कि जिससे झुग्गी बस्तियां नहीं दिखें ताकि पोल ना खुले। अमर उजाला ने लिखा था गुजरात डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से पहले झुग्गियां ढकने के लिए दीवार बना रहा है नगर निगम। और उसी को आज तक ने लिखा था ट्रेंडिंग, ट्रंप से छिपानी है गुजरात की गरीबी, झुग्गियों के सामने बना दी ऊंची दीवार। अगर यही चीज उसी मिसाल की तरफ जाती है कि अगर आप जख्म को छिपाएंगे तो वह नासूर बनता है। जख्म ठीक कब होता है? जब उसको दिखा खुला छोड़ा जाए और उसका इलाज किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो मीडिया के हमारे सम्मानित पत्रकार दिखा रहे थे उनको भी अस्पताल से बाहर खींच के बाहर निकाल दिया कि बाहर रहो, अंदर की कोई खबर बाहर न जाए, इसलिए क्या कुछ किया जा रहा है ये आपके सामने है। और ये जो मैंने आपको दिखाया ये आप लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए कि कैसे मीडिया की भी अब एंट्री पर बैन लगा दिया। वो मीडिया जिसने सोचा नहीं होगा कि अगर हम कुछ सच बोल देंगे तो जो लोग हमें पसंद कर रहे हैं सरकार के समर्थक वो भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे। प्रदीप भंडारी जैसे लोग अगर बोल पड़े 150 लोगों की मौत के ऊपर तो भी सरकार को शायद पसंद नहीं आया है। ये अंकित जी का भी आपने वीडियो देखा, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप सोंगन में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।